हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। गाइस, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो सेडिमेंट्री वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, और सेडिमेंटम से, और सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटलिंग। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं डीन्यूडेशन से फॉर्म होते हैं। डीन्यूडेशन इंग्लिश वर्ड का मतलब ये होता है कि वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग का जैसे आपने कई बार सुना होगी कि कोई पत्थर पे अगर पानी गिरता रहता है या फिर हवा के कारण वो हल्के हल्के कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर वो टूटने लग जाते हैं, तो इस चीज़ को डीन्यूडेशन कहते हैं। और जब ये हल्के हल्के जब ये पत्थर टूटने लग जाते हैं और इनके जो महीन महीन कण होते हैं, हल्के हल्के कण होते हैं, फिर वो क्या नाम है, बाद में एग्रीगेट हो जाते हैं और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दे तो वो एक तरह का पत्थर का रूप ले लीजिए। तो इस तरह से ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो प्लांट रिमेन्स होते हैं, जैसे पौधों के अवशेष होते हैं, फिर जानवर मर जाते हैं, तो इसके ये भी कई बार इंटेंस क्या नाम है, कई बार पत्थरों के नीचे या फिर किसी धरती के नीचे दब जाते हैं, तो वो भी एक पत्थर का रूप ले देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोल। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इसका जो टोटल कंटेंट होता है ये अर्थ की क्रस्ट का 75% होता है। और जो ये जैसे पत्थर के जो मिट्टी के कण होते हैं, जो पत्थर की वेदरिंग होती है और उसके बाद जो कंपैक्शन होता है, जो इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन कहते हैं। जैसे एक पत्थर टूटा और उसके फिर काफ़ी सारे कण बन गए और बाद में वो किसी प्रेशर के अंदर जो एक पत्थर का रूप ले देते, तो इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन कहते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो, उसको आप मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, कई हिमालय के पार्ट्स के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, बिहार और उड़ीसा के अंदर पाए जा सकते हैं। ये वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में पाए जा सकते हैं। यहाँ पे पानी बहता है, यहाँ पे एयर बहती है, क्योंकि एयर और जो वाटर होते हैं या फिर रेन होती है, ये डीन्यूडेशन के एजेंट होते हैं। ये हल्के हल्का पत्थर को कमज़ोर करते रहते हैं और उसके थ्रू फिर पत्थर बनता रहता है, मिट्टी बनती रहती है। उसके बाद फिर वही जब कॉम्पैक्शन होता है, एक जुड़ाव होता है, तो वो पत्थर बन जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे एक तो मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं, एक केमिकली फॉर्म्ड होते हैं और एक ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो जो मैकेनिकली फॉर्म्ड जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये रनिंग वाटर के थ्रू, ओशियन करंट्स के थ्रू और आइस के थ्रू बनते हैं। और इनका एग्जाम्पल होता है सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल, लॉयस। तो ये केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। तो हमने बात करी मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स कैसे होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, और क्या नाम है, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो भाई, जो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो किसी, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, पानी के अंदर काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसके थ्रू ही बनते हैं और काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये देखो, फॉर्म्ड केमिकली फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ वन अनदर। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे जिप्सम, जिसको कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। और इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, जैसे आपने कई बार लेक देखी होगी या फिर समुद्र का पानी लेना, उसको जब वाटर कंटेंट हम रिमूव कर देंगे, जब उसका वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, तो वहाँ पे नमक रह जाता है। तो एक प्रोसेस है, तो एक एग्जांपल है कि जैसे जिप्सम के जब पानी सूख जाता है तो रॉक फॉर्म हो जाता है, सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। तो इस चीज़ को एग्जांपल, इस चीज़ को कहते हैं केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे रॉक सॉल्ट हो गया, आयरन ओर होगी, चर्ट होगी, फ्लिंट हो गए, सम डोलोमाइट्स हो गए और कुछ लाइमस्टोन हो गए। तो ये जो सारे हैं, जैसे आयरन वगैरह हो गए, तो इन सब चीज़ों को केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल के रूप में जानते हैं हम। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। जैसे देखो, ये जो प्लांट के जो अवशेष होते हैं, जो कई बार पौधे गिर जाते हैं या फिर जो कई जानवर मर जाते हैं और फिर वो धरती के अंदर ही दफन किए जाते हैं, तो ये हजारों सालों तक दबे रहते हैं। तो इस चीज़ को कारण जब उस पर प्रेशर पड़ता है, तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या नाम है, रूप ले लेते हैं। जैसे आपको सबसे प्राइम एग्जांपल तो इसका मिलता है, जैसे आपने सुना होगा कोल। कोल जो बनता है वो पौधों के और जानवरों के अवशेष से ही बनता है, उनके शरीर के और क्या नाम है, रिमेन से बनता है। और इसके कुछ और एग्जांपल है, जैसे डोलोमाइट्स हो गया, कुछ तरह के लाइमस्टोन हो गए,
और यही सब चीज़ें सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। तो इस गाइस इस वीडियो के अंदर हमने बात करी तीनों प्रकार के सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में और वो कैसे कैसे बनते हैं और कितना वो पोर्शन कवर करते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं और जब उनका एग्रीगेशन होता है कॉम्पैक्शन होता है जब वो जुड़ जाते हैं तो इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन कहते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्या नाम है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। गाइस थैंक यू, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।